Children, this is class 3, lesson 4, English course book. The topic is A Dog Loves Cakes. The title of the story is A Dog Loves Cakes. You see that in this story there are two characters. One is Mr. Jones and other is Toffee. Mr. Jones, he is a gentleman, very gentleman, and he is very sensitive to the animals. And his pet dog's name is Toffee. I think the students, you must have the pet in your home also. Children, you know that the pets are very lovely things, and we keep them in our home for our fun, for our entertainment. But you keep in your mind, this is not the good habit to keep the parrots and the birds and the other such kinds of animals and birds in the cage. This is not the good. The animals who are free to move here and there in our home, these kinds of animals we can keep on in our home, like dogs and cats. Okay, come to the point. Now, Toffee. Who is Toffee? Toffee is the name of the pet dog of Mr. Jones. Mr. Jones का एक pet dog है, उस pet dog का नाम है Toffee. अब उस Toffee और Mr. Jones, इन दोनों का एक कहानी है. इस कहानी बहुत ही मजेदार है. इस कहानी का टाइटल भी देखो क्या है, A Dog Loves Cake. मतलब A Dog वो किस तरह से केक पसंद करता है, केक खाना कितना पसंद करता है, ये इस कहानी में बहुत ही अच्छा से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया है. तो आगे हम लोग आएंगे. सम वर्ड्स आर देयर, यू सी दैट वन न्यू वर्ड क्लास 3 स्टूडेंट्स यू विल गेट, दैट इज द वेग्स. वेग्स टेल, वेग्स का मतलब क्या होता है, जब कोई जानवर पूछ लाता है. आप लोग घर में भी देखे होंगे, जब आपके घर में जो पेट डॉग है, द डॉग वेग्स इट्स टेल. हाँ, कुत्ता का पूछ लाना, कुत्ता का जो पूछ हिलाना, इसको हम लोग वेग्स बोलते हैं. ठीक है, सबके लिए अलग अलग तरह का वर्ड हम लोग यूज करते हैं. तो वेग्स, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द टेल ऑफ द डॉग, दैट इज मीनिंग इज द वेग्स. ओके, द वर्ड इज वेग्स. ओके, वेग्स से हम लोग वेग्स किए इसको. और एक इंपॉर्टेंट थिंग इस स्टोरी में है, दिस 7 डेज आप लोग ख्याल रखेंगे, आगे स्टोरी में मिलेगा. 7 दिन मिस्टर जोन्स एक दिन में 2 रुपया देते थे, इसलिए हमने इसको कैलकुलेशन करके आप लोग को लिख दिए पहले ही बोर्ड में. 7 डेज इंटू रुपीज 2 इज इक्वल टू 14 रुपीज. 14 रुपीज टोटल जो है वो टॉफी को दिए थे. हम लोग कहानी में जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू सी द चैप्टर, दैट इज द बुक इज न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट. द लेसन नंबर 4 यू सी हियर, ए डॉग लव्स केक. The story starts from here. Mr. Jones is an old man. He lives alone in his cottage. Okay, and that is the picture you will see in that figure, that piece. You will see there is a table, round table. That is the figure of the restaurant, the coffee shop. It is coffee shop, and he is Mr. Jones. Okay, you see that under the chair there is Toffee. This is the dog. Okay, next page you will see there, outside of the coffee shop, the end of the story, you will see that Mr. Jones will be there with cake in his hand, and this is Toffee. Okay, that is the end of the story. You will get it very soon. And there are 14 questions, very short questions. Students, don't worry about it, because the questions are very short. Who is Mr. Jones' best friend, Toffee? Like that, वो छोटा छोटा question है, आप लोग आराम से कर लोगे. ये कहानी को हम बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं, ये question answer आप लोग अपने से ही कर सकोगे. Okay? Children, the story starts from here. Mr. Jones पहले हम आप लोगों को बताए हैं, जी एक बहुत ही जेंटलमैन है. ही इज एन ओल्ड मैन,
एंड ही लिव्स अलोन इन हिज होम देयर इज नो वन उनके घर में कोई नहीं है वो अकेले रहते थे और उनके साथ में उनका एक पेट डॉग रहता था इसका नाम था टॉफी इट्स ओके देखो क्या होता है ये लोग का रोज का हैबिट क्या है हमको कहानी को बहुत अच्छे तरीके से बहुत मजेदार तरीके से जानना है मैं समझता हूँ पढ़ाना कॉम्प्लेक्स टू इजी होना चाहिए ये नहीं जो हमने कहानी बता दिया और आप लोगों को समझ में नहीं आया अरे भाई इस कहानी में है क्या हमने स्टोरी समझा ही नहीं केवल इंग्लिश बोल के पढ़ा हो गए और हम क्वेश्चन आंसर रट लिए तो ये पढ़ाई नहीं होता है पढ़ाई का मतलब बहुत मजेदार चीज है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये द लर्निंग प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग नाउ कम टू द पॉइंट तो इन दोनों ने रोज का दैट वॉज देयर डेली हैबिट व्हाट वॉज द हैबिट ही फर्स्ट गोज ही मीन्स दैट मिस्टर जोन्स ओके मिस्टर जोन्स फर्स्ट गोज टू द कॉफी शॉप एट द कॉर्नर ही ड्रिंक्स ए कप ऑफ कॉफी एंड ईट्स ए स्लाइस ऑफ फ्रूट केक दैट वॉज द हैबिट ऑफ मिस्टर जोन्स मिस्टर जोन्स का ये हैबिट है रोज का रोज इन लोगों ने एक कॉफी शॉप में जाता है और उसमें मिस्टर जोन्स क्या करते हैं ना एक कप कॉफी पीते हैं और एक फ्रूट केक को खाते हैं और ये इन लोग का रोज का दिनचर्चा है डेली ड्रामा है सुबह का और उसके साथ साथ में वो टॉफी भी वहाँ पर बैठा रहता है और इन लोगों ने ये मिस्टर जोन्स एक न्यूज़पेपर खरीदते हैं उसके बाद न्यूज़पेपर खरीदते हैं दो रुपया देते हैं न्यूज़पेपर सेलर को दो रुपया देते हैं ही गिव्स टू रुपीज टू द न्यूज़पेपर सेलर इट्स ओके नाउ व्हाट हैपेंड डे बाय डे पास्ट अवे आफ्टर सम मंथ आफ्टर फ्यू मंथ्स लास्ट मंथ ये कहानी बताया है जो पिछले महीने मतलब कोई एक महीने इस तरह से चला होगा उसके बाद एक दिन ऐसा आया जो हम लोग कहानी में बोल रहे हैं लास्ट मंथ मिस्टर जोन्स फेल इल मिस्टर जोन्स बीमार पड़ गए उनका तबीयत खराब हो गया डॉक्टर ने बताया कि आपको फ्लू है फ्लू माने आप लोग समझते होंगे और डॉक्टर ने बताया कि नहीं अभी आपको कहीं नहीं जाना है आप घर में रहो मिस्टर जोन्स का तो रोज कॉफी शॉप में जाने का आदत था और न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत था वो देखे जे ही थॉट ऑफ ए प्लान ही गेव ए टू रूपी कॉइन टू टॉफी टॉफी को दो रुपया रोज देते थे क्या करने देते थे न्यूज़पेपर ले आने के लिए टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर फॉर हिम रोज दो रुपया देते थे अब देखो क्या होता है उसके बाद सात दिन के बाद आफ्टर सेवन डेज मिस्टर जोन्स ही गॉट वेल अच्छे हो गए फिर वो उस कॉफी शॉप में आए कॉफी शॉप में आते हैं और वो न्यूज़पेपर सेलर उनसे पूछता है जे सर आपका 14 रुपीज ड्यूज है मिस्टर जोन्स वाज सरप्राइज्ड टू लिसन इट मिस्टर जोन्स को समझ में नहीं आया जे रोज वो टॉफी को 2 रुपया देते थे आखिरकार 2 रुपया हुआ क्या है वो 2 रुपीज कॉइन का हुआ क्या तो एक दिन क्या किए उन्होंने टॉफी को 2 रुपया दिए और उसका पीछे पीछे गए देखे क्या है जो कॉफी शॉप में जाके देखो हम उस लाइन को पढ़ते हैं टॉफी पुट द कॉइन ऑन द काउंटर एंड गॉट ए पीस ऑफ फ्रूट केक एंड गॉबलेट इट अप मतलब क्या है जो टॉफी रोज वही करते थे 2 रुपया जैसे ही मिला वो दौड़ के चले गए और उस कॉफी शॉप में जाके काउंटर में 2 रुपया देता था और वो फ्रूट केक को लेके खा लेता था तुरंत ये उसका हैबिट बन गया था तब मिस्टर जोन्स को समझ में आया ओ यू आर द नॉटी डॉग लेकिन देखो इस कहानी में हम लोग देखते हैं जे एक रियल जो पेट लवर होते हैं जो जानवर प्रेमी होते हैं एनिमल लवर्स तो वो कभी भी अपने जानवरों के प्रति जो है वो गुस्साते नहीं है ही वॉज नेवर एंग्री विथ टॉफी ही पेटेड इट पीठ पे थपथपाते हैं और मिस्टर जोन्स बोलते जे ऐसा कभी नहीं करना डोंट डू दिस अगेन
वो टॉफी बहुत सेंसिटिव डॉग थे, बहुत सेंसिटिव डॉग था, वो शर्म के मारे में वो अपना सिर को झुका लेता है, ठीक है। आफ्टर दैट आफ्टर द नेक्स्ट डे व्हेन मिस्टर जोन्स वेंट टू द कॉफी शॉप बट यू सी दैट द डॉग वॉज वेरी सेंसिटिव। पहले हमने आपको बताया जी एक कुत्ता जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो मालिक के पास जो है अपने को बहुत शर्मिंदा ऐसा महसूस किया और वो बाहर में ही बैठे रहता है, उस कॉफी शॉप के बाहर में बैठे रहता है, वो अंदर भी नहीं जाता है। नाउ यू सी दैट सम द लाइन्स आई एम टेलिंग यू नाउ कॉफी टॉफी डज नॉट इवन लुक एट द कॉफी शॉप व्हेन हिज मास्टर गोज देयर ही सिट्स आउटसाइड एंड वेट्स हिज टेल। अभी बोले वेट पूछ लाती रहता है, बाहर में बैठ रहता है। मिस्टर जोन्स को इस बात को एहसास होता है कि नहीं वो डॉग जो है वो टॉफी जो है इसके बारे में पूरा उसको रियलाइज हुआ जो अपना जो मतलब जो कर्तव्य तो उन्होंने किया कुत्ता जो मतलब अपना मिस्टिवस वर्क जो किया है उसके लिए उसके एहसास हुआ। तो फिर उसको जाके वो मिस्टर जोन्स गेव हिम ए बिग स्लाइस ऑफ केक बट टॉफी डिड नॉट ईट इट। देखो टॉफी खाने नहीं चाहता है, नहीं खाने चाहता है। ऑफन मिस्टर जोन्स टेल्स हिम उसके बाद क्या है देखो ये एक दिखाया है जो किस तरह से एक जेंटलमैन एक सेंसिटिव जो पेट लवर है किस तरह से अपना पेट को अपना जो पालतू जानवर है उसके प्रति ट्रीट करता है ये स्टोरी में दिखाया है। देखो क्या कहते हैं यू आर द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड बोलते हैं वाह क्या बात है तुम तो इस दुनिया में सबसे अच्छे डॉग हो। सुनते ही वो टॉफी उसके पास सामने आ जाता है और देन यू सी द लाइन द लास्ट लाइन इज देन ही सीम्स टू ग्लो विद प्राइड एंड जॉय। नाउ यू सी दैट द स्टोरी टेल्स अस द लव एंड अफेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल। ओके।